प्रयोग है। जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, जैसे ही कांग्रेस प्रत्याशी जीता, उसी दिन से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, गरीब लोगों पर मुकदमे दर्ज करना शुरू हो गए। हमारे साथियों पर, हमारे कार्यकर्ताओं पर, हमारे नेताओं पर, पहले सबसे पहले टारगेट लिया हमारे बड़े नेताओं पर। अब अवैध वसूली शुरू हो गई है, लोगों को दिखा के कि तुम पर भी मुकदमा कायम होंगे। तो मेरे भाइयों, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहां पर अवैध वसूली शुरू हो गई है और लोगों से ये कहना शुरू कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश में कितने लोगों की हत्या हो गई हमारे नेताओं की। अब कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पास डंपर बहुत है, हम डंपर से कुचलवा देंगे अगर हमारे आज के बाद में हमारे विरोध में गई। मंजूर विधानसभा में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, मैं भारत वर्ष के अंदर पहली विधानसभा देख रहा हूं जिस विधानसभा में आज भी आजादी नहीं है, आज भी स्वतंत्रता नहीं है। कोई अपनी मनमर्जी से वोट नहीं डाल सकता, कोई अपनी मनमर्जी से किसी पार्टी का काम नहीं कर सकता। यहां पर इतना दमनपन चल रहा है, इतनी गुंडागर्दी चल रही है यहां पर कि यहां पर आम जनता से अगर आप पूछोगे तो आम जनता बताएगी। इसीलिए मैं बैठा हूं कि अब आम जनता पर अन्याय अत्याचार न हो, अगर अन्याय अत्याचार होगा तो हम दोनों, हम पत्नी पत्नी यहां पर ही अनशन हमने शुरू कर दिया है और हम अनशन जब तक अनशन करते रहेंगे तब तक हमारी जनता को न्याय न मिल जाए और आगे मुकदमा कायम न हो।